सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप Redmi Note 10S मोबाइल में किसी भी ऐप्स को हाइड कर सकते हो और उसको कैसे देखा जाता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी ऐप्स को हाइड करने के लिए अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है आपको, और सेटिंग में जाने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, तो यहाँ पर ऐप्स लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। अब आपको सबसे नीचे ऐप लॉक का ऑप्शन मिलना है, तो सबसे पहले आपको ऐप लॉक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको टर्न ऑन पर क्लिक करना है, नीचे जो लिखा हुआ है, तो टर्न ऑन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बोलेगा कि अपना पैटर्न बना लीजिए। तो यहाँ पर आप पैटर्न अपना डाल दीजिए, जो भी रखना चाहते हो। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना पैटर्न डालना है। जो भी पैटर्न आप डाल लोगे तो यहाँ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर नोट नाउ पर आपको क्लिक कर देना है, फिर नोट नाउ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर से एक ऑप्शन आएगा नोट नाउ का, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको फिर से नोट नाउ पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप इन सभी को अनटिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर अनटिक सबको करके यहाँ पर जो है यूज ऐप लॉक पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अनटिक करके यूज ऐप लॉक पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से आप ऐप लॉक भी कर सकते हो और ऐप को हाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सारे के सारे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कैसे आप हाइड करोगे। तो हाइड करने के लिए यहाँ पर देखिए ऐप लॉक के बगल में आपको हिडन ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सारे के सारे ऐप्स आ जाएंगे। अब इनमें से जिसको भी आपको हाइड करना है उसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर जो है इनेबल कर रहा हूँ, तो ये पहले बता रहा है कि इस तरीके से आप देखोगे कैसे आपको देखना पड़ेगा, यानी हाइड हुए ऐप्स को। तो मैं अभी आपको बताऊँगा फिलहाल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गॉट इट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप जितने भी ऐप्स को यहाँ पर जो है इनेबल कर दोगे, सारे के सारे ऐप्स आपके हाइड हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर दो ऐप्स को हाइड कर चुका हूँ, फ़ोनपे और व्हाट्सअप को। तो अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इनको देखोगे। अब ये तो गायब हो चुके हैं आपके होम स्क्रीन से, तो इनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर आ जाना है और होम स्क्रीन पर इस तरीके से आपको पिंच आउट करना है, और उसके बाद ये पैटर्न मांगेगा। तो जैसे ही पैटर्न डाल दोगे तो आपके हाइड हुए ऐप्स दिखा दिए जाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हो इस तरीके से आपके हाइड हुए ऐप्स दिख जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर जो है बड़ी आसान तरीके से जो है किसी भी ऐप्स को हाइड कर सकते हो और उसको देख सकते हो।